फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। दिस इज अर्चना मनचंदा। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि अपना डेली रूटीन इंग्लिश में हम कैसे बता सकते हैं। मैं आपको अपनी दिनचर्या इंग्लिश में बताऊंगी और आप उन्हीं सेंटेंसेस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सेम वर्ब्स को यूज़ कीजिए, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर रखिए और उसे बस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए और फिर आप इंग्लिश में अपना डेली रूटीन बता सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, आई यूजुअली वेक अप एट 5 o'clock। मैं सुबह ज़्यादातर 5 बजे उठती हूँ, तो यहाँ पे आप समय चेंज करके इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए। ओके, देन द वेरी फर्स्ट थिंग आई डू इन द मॉर्निंग इज मेक माय बेड। जो मैं सबसे पहला काम मॉर्निंग में करती हूँ उठने के बाद, मैं सबसे पहले अपना बिस्तर बनाती हूँ, अपना बेड ठीक करती हूँ। नेक्स्ट, देन आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस। उसके बाद मैं अपने टीथ ब्रश करती हूँ और अपना चेहरा धोती हूँ। ज़्यादातर सभी लोग यही करते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर दैट आई गो आउट फॉर ए वॉक। उसके बाद मैं वॉक के लिए बाहर जाती हूँ। ओके, देन आई कम बैक आफ्टर हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे के बाद वापस आती हूँ एंड टेक बाथ, या फिर आप कह सकते हैं टेक अ शावर। टेक बाथ या फिर टेक अ शावर एक ही बात है। तो आधे घंटे के बाद मैं बाहर आती हूँ और उसके बाद मैं आकर नहाती हूँ। नेक्स्ट, आफ्टर टेकिंग बाथ आई से मॉर्निंग प्रेयर्स। सभी ज़्यादातर यही करते हैं। नहाने के बाद हम पूजा करते हैं। सो आफ्टर टेकिंग बाथ, नहाने के बाद मैं पूजा करती हूँ। नेक्स्ट, आफ्टर डूइंग माई मॉर्निंग ड्यूटीज़। तो ये सब जो मॉर्निंग ड्यूटीज़ हैं, इन सब के बाद आई गेट ड्रेस्ड एंड कॉम माई हेयर। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ काम पे जाने के लिए मैं रेडी होती हूँ। कैसे? मैं अपनी ड्रेस पहनती हूँ और अपने बालों में कंघी करती हूँ। नेक्स्ट, देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट अराउंड 8 o'clock और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, जो कि दिन की सबसे इम्पॉर्टेंट मील होती है। तो अगर आप ऑफिस, कॉलेज या स्कूल जाते हुए अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो ये बहुत बुरी बात है। तो कल से अपना ब्रेकफास्ट टाइम पर कीजिए। नेक्स्ट, आई लीव होम एट 8:30 AM। 8:30 बजे मैं घर से निकल जाती हूँ अपने काम के लिए। नेक्स्ट, आई गो टू वर्क बाय बस। अब मैं बता रही हूँ कि मैं किस तरह से ऑफिस जाती हूँ। मैं बस से ट्रैवल करती हूँ। अगर आप कार से करते हैं तो आप कहेंगे आई गो टू वर्क बाय कार, या फिर आई गो टू स्कूल बाय कार, आई गो टू कॉलेज बाय कार। नेक्स्ट, वंस आई रीच ऑफिस बाय 9 AM, मैं जब मैं 9 बजे ऑफिस पहुंच जाती हूं, आई स्टार्ट नोटिंग द टास्क फॉर द डे एंड देन प्रायोरिटाइजिंग देम। जब मैं 9 बजे ऑफिस पहुंच जाती हूं, उसके बाद मैं अपनी दिन की जितनी भी मेरी टास्क मुझे करनी है उन सबको नोट करती हूं। दिस इज़ माय स्टाइल ऑफ वर्किंग। और उसके बाद मैं एक एक करके प्रायोरिटाइज करती हूँ कि मुझे ये पहले करना है, फिर ये बाद में करना है। नेक्स्ट, ऑफिस आवर्स आर मोस्टली स्पेंट
सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। ऑफिस में ज़्यादातर यही होता है कि आप पूरा दिन कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो ऑफिस आवर्स आर मोस्टली स्पेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। तो लगातार कंप्यूटर पर रहना आइज के लिए, हेल्थ के लिए, हमारे बैक के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो हमें आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप बीच बीच में 1 आवर में एटलीस्ट 5 मिनट ब्रेक लेते रहें। नेक्स्ट, एट अराउंड 1 PM आई हैव माई लंच। लगभग 1 बजे दोपहर को मैं लंच करती हूँ। नेक्स्ट, एट 4 PM आई गो टू कैफेटेरिया टू हैव आफ्टरनून टी एंड ईट सम स्नैक्स। 4 बजे मैं कैफेटेरिया जाती हूँ टू हैव आफ्टरनून टी, आफ्टरनून टी पीने के लिए और कुछ स्नैक्स खाने के लिए। नेक्स्ट, देन आई रैप अप माई वर्क बाय 6 PM। इसके बाद 6 बजे तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ एंड लीव बाय 6:10 PM और 6:10 तक मैं ऑफिस से निकल जाती हूँ। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। इसमें आपको बस कुछ सेम वर्ब्स के साथ बस अपने अकॉर्डिंग टाइम चेंज करना है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज करनी है एंड देन योर डेली रूटीन इज़ रेडी। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे मैं क्या करती हूँ। ओके, सो ऑफिस से निकलने के बाद आई रीच होम बाय 6:40 PM। सो 6:40 पर मैं घर पहुँचती हूँ। सो वंस होम बाय 6:40 PM, 6:40 पर पहुँचने के बाद आई फ्रेशन अप टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली। मैं फ्रेश होती हूँ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। सो ऑफिस में बहुत लंबा दिन होता है हमारा, पूरा दिन काम और हार्डली 2 ब्रेक्स मिलते हैं, तो पूरा दिन काम करने के बाद जाहिर सी बात है कि मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। सो आई फ्रेशन अप टू स्पेंड सम टाइम विद माय फैमिली। नेक्स्ट, आई हैव इवनिंग टी विद माई फैमिली एट अराउंड 7 PM। 7 बजे के लगभग मैं अपनी फैमिली के साथ इवनिंग टी एंजॉय करती हूँ। आप सब भी करते होंगे, शाम के वक्त पूरी फैमिली एक साथ बैठकर अक्सर चाय पीना पसंद करती है। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर हैविंग टी आई यूजुअली मेक सम फोन कॉल्स एंड चेक माई मैसेजेस एंड ईमेल्स। सो आजकल ऑफिस में जब आप काम करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, लाइफ इतनी बिजी है कि हमें फ़ोन कॉल्स करने का, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने का समय ही नहीं मिलता। तो शाम के वक्त जब मैं चाय पी लेती हूँ, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, तो उसके बाद बारी आती है मेरे फ्रेंड्स की, मेरे पर्सनल टाइम की, जब मैं कॉल्स करके अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी दिनचर्या शेयर करती हूँ और कुछ बातें करते हैं हम लोग, और फिर अपने व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करती हूँ, अपने SMS चेक करती हूँ और अपने ईमेल्स चेक करती हूँ। सो आफ्टर हैविंग टी आई यूजुअली मेक सम फोन कॉल्स एंड चेक माय मैसेजेस एंड ईमेल्स। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, I have a dog at home. I have a pet. Then I feed my dog. इसके बाद मैं अपने डॉग को खाना खिलाती हूँ। Next, post 9 PM, I usually relax on my couch and watch television. 9 बजे के बाद मैं अपने सोफ़ा पे, अपने काउच पे आराम करती हूँ और आराम करते हुए टेलीविज़न देखती हूँ।
और मेरा फेवरेट प्रोग्राम है न्यूज़। आधा घंटा मैं न्यूज़ ज़रूर देखती हूँ ताकि मुझे पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है। ओके, नेक्स्ट, आई हैव डिनर बाय 9:30 PM। 9:30 बजे मैं डिनर करती हूँ। आफ्टर डिनर आई ब्रश माई टीथ। अगेन आफ्टर डिनर आई ब्रश माई टीथ, क्योंकि आपको दिन में दो बार ब्रश करना ज़रूरी है, एक बार सुबह और एक बार रात को सोते हुए। एंड गेट रेडी फॉर बेड, यानी कि मैं उसके बाद नाइट सूट पहन लेती हूँ और फिर सोने की तैयारी करती हूँ। So, I have dinner by 9:30 PM and after dinner, I brush my teeth and get ready for bed. Next, अब अक्सर होता है कि हमें बेड पे जाने के बाद नींद नहीं आती। सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग प्रेयर करते हैं, कुछ लोग टीवी देखते हुए सो जाते हैं, और मैं किताब पढ़ते हुए या फिर नॉवल पढ़ते हुए सोना पसंद करती हूँ। Then I read a book or novel for about 30 minutes. उसके बाद मैं बेड में लेटे हुए आधे घंटे तक कोई भी किताब या नॉवल पढ़ना पसंद करती हूँ। And finally, around 10:30 PM, I turn off the lights. और फिर फाइनली 10:30 पर जब मुझे थोड़ी नींद आने लगती है तो मैं बत्तियां बुझा देती हूँ। एंड स्लीप बाय 11 PM और 11 बजे तक सो जाती हूँ। तो ये थी मेरी दिनचर्या। अब आपकी दिनचर्या, आप इन्हीं सेंटेंसेस को चेंज करके लिखने की कोशिश कीजिए और इंग्लिश में अपने फ्रेंड्स को अपना डेली रूटीन बताइए। आई होप यू enjoyed दिस सेशन। जल्द से जल्द अंग्रेजी सीखने के लिए हमारा वो कैप 24 मोबाइल ऐप आज ही इंस्टॉल कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।